आ चुके हैं। कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार बनाने जा रही है। जीते और हारे कई कैंडिडेट्स की चर्चा हो रही है, लेकिन कृपाल सिंह परमार काफी खास हैं। कृपाल परमार वही नेता हैं जो बीजेपी से टिकट की चाहत पाले हुए थे, लेकिन टिकट न मिलने पर वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। कृपाल परमार उस वक्त खबरों में आए थे जब पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया था कि आप चुनाव ना लड़ें और मेरी बात मानिए। आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार जी, नमस्कार जी। मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुने जी? जी 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 मोदी जी, मैं एक बात कहूं। आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी। नहीं, काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है मोदी जी। दो दिन पहले हो जाते हैं। वीडियो में एक काफी सुनाई दे रहा है कि कैसे पीएम मोदी कृपाल परमार को मना रहे हैं और परमार खुद भी पीएम से नरमी से पेश आ रहे हैं। साथ ही कृपाल सिंह परमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी अपनी बात पर अड़िग रहे और बाद में कृपाल परमार भी अपनी जिद पर अड़े रहे और चुनाव भी लड़ा। हिमाचल की फतेहपुर सीट से कृपाल परमार चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर सीट का हम आपको हाल बताते हैं। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया को 32,453 वोट मिले। बीजेपी के राकेश पठानिया को 25,462 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर आए कृपाल सिंह परमार को सिर्फ 2794 वोट मिले। कृपाल परमार साल 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव हार गए। कृपाल सिंह परमार बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी। इस बार जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। फतेहपुर सीट से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया और मैदान में उतर गए। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल दिया और इस तरह से वो एक्सपेल्ड बीजेपी उम्मीदवार बन गए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव खत्म हुए, नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार बनाने जा रही है। जीते और हारे कई कैंडिडेट्स की चर्चा हो रही है, लेकिन कृपाल सिंह परमार काफी खास हैं। कृपाल परमार वही नेता हैं जो बीजेपी से टिकट की चाहत पाले हुए थे, लेकिन टिकट न मिलने पर वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। कृपाल परमार उस वक्त खबरों में आए थे जब पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया था कि आप चुनाव ना लड़ें और मेरी बात मानिए। आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार जी, नमस्कार जी। मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुने जी? जी 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 मोदी जी, मैं एक बात कहूं। आके तो मेरा भी है, मेरी मेरा तो हक है, नहीं चलेगा। मेरा आपको माले नहीं कर सकता, मैं तो आप चुनाव नहीं तो कर।
मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी। नहीं काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है। मोदी जी दो दिन पहले हो जाते। वीडियो में एक काफी सुनाई दे रहा है कि कैसे पीएम मोदी कृपाल परमार को मना रहे हैं और परमार खुद भी पीएम से नरमी से पेश आ रहे हैं। साथ ही कृपाल सिंह परमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी अपनी बात पर अडिग रहे और बाद में कृपाल परमार भी अपनी जिद पर अड़े रहे और चुनाव भी लड़ा। हिमाचल की फतेहपुर सीट से कृपाल परमार चुनाव लड़े लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर सीट का हम आपको हाल बताते हैं। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया को 32,453 वोट मिले, बीजेपी के राकेश पठानिया को 25,462 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर आए कृपाल सिंह परमार को सिर्फ 2794 वोट मिले। कृपाल परमार साल 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे लेकिन चुनाव हार गए। कृपाल सिंह परमार बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी। इस बार जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। फतेहपुर सीट से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया और मैदान में उतर गए। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल दिया और इस तरह से वो एक्सपेल्ड बीजेपी उम्मीदवार बन गए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव खत्म हुए, नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार बनाने जा रही है। जीते और हारे कई कैंडिडेट्स की चर्चा हो रही है लेकिन कृपाल सिंह परमार काफी खास हैं। कृपाल परमार वही नेता हैं जो बीजेपी से टिकट की चाहत पाले हुए थे लेकिन टिकट न मिलने पर वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। कृपाल परमार उस वक्त खबरों में आए थे जब पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया था कि आप चुनाव ना लड़े और मेरी बात मानिए। आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार जी, नमस्ते जी। मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुनेगा जी, जी। जी जी मोदी जी, मैं एक बात कहूं। आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी। नहीं काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है। मोदी जी दो दिन पहले हो जाते। वीडियो में एक काफी सुनाई दे रहा है कि कैसे पीएम मोदी कृपाल परमार को मना रहे हैं और परमार खुद भी पीएम से नरमी से पेश आ रहे हैं। साथ ही कृपाल सिंह परमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी अपनी बात पर अडिग रहे और बाद में कृपाल परमार भी अपनी जिद पर अड़े रहे और चुनाव भी लड़ा। हिमाचल की फतेहपुर सीट से कृपाल परमार चुनाव लड़े लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर सीट का हम आपको हाल बताते हैं। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया को 32,453 वोट मिले, बीजेपी के राकेश पठानिया को 25,462 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर आए कृपाल सिंह परमार को सिर्फ 2794 वोट मिले। कृपाल परमार साल 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे लेकिन चुनाव हार गए।
कृपाल सिंह परमार बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी। इस बार जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। फतेहपुर सीट से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया और मैदान में उतर गए। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल दिया और इस तरह से वो एक्सपेल्ड बीजेपी उम्मीदवार बन गए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव खत्म हुए, नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार बनाने जा रही है। जीते और हारे कई कैंडिडेट्स की चर्चा हो रही है, लेकिन कृपाल सिंह परमार काफी खास है। कृपाल परमार वही नेता हैं जो बीजेपी से टिकट की चाहत पाले हुए थे, लेकिन टिकट न मिलने पर वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। कृपाल परमार उस वक्त खबरों में आए थे जब पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया था कि आप चुनाव ना लड़े और मेरी बात मानिए। आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार जी, नमस्ते जी। मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुनेगा जी? जी 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 मोदी जी, मैं एक बात कहूं। आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी। नहीं, काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है। मोदी जी दो दिन पहले हो जाते। वीडियो में एक काफी सुनाई दे रहा है कि कैसे पीएम मोदी कृपाल परमार को मना रहे हैं और परमार खुद भी पीएम से नरमी से पेश आ रहे हैं। साथ ही कृपाल सिंह परमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी अपनी बात पर अड़िग रहे और बाद में कृपाल परमार भी अपनी जिद पर अड़े रहे और चुनाव भी लड़ा। हिमाचल की फतेहपुर सीट से कृपाल परमार चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर सीट का हम आपको हाल बताते हैं। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया को 32,453 वोट मिले। बीजेपी के राकेश पठानिया को 25,462 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर आए कृपाल सिंह परमार को सिर्फ 2794 वोट मिले। कृपाल परमार साल 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव हार गए। कृपाल सिंह परमार बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी। इस बार जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। फतेहपुर सीट से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया और मैदान में उतर गए। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल दिया और इस तरह से वो एक्सपेल्ड बीजेपी उम्मीदवार बन गए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव खत्म हुए, नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार बनाने जा रही है। जीते और हारे कई कैंडिडेट्स की चर्चा हो रही है, लेकिन कृपाल सिंह परमार काफी खास है। कृपाल परमार वही नेता हैं जो बीजेपी से टिकट की चाहत पाले हुए थे, लेकिन टिकट न मिलने पर वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। कृपाल परमार उस वक्त खबरों में आए थे जब पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया था कि आप चुनाव ना लड़े और मेरी बात मानिए। आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार जी, नमस्ते जी। मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुनेगा जी? जी जी जी
मोदी जी, मैं एक बात कहूं, आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी। नहीं, काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है। मोदी जी दो दिन पहले हो जाते हैं। वीडियो में एक काफी सुनाई दे रहा है कि कैसे पीएम मोदी कृपाल परमार को मना रहे हैं और परमार खुद भी पीएम से नरमी से पेश आ रहे हैं। साथ ही कृपाल सिंह परमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी अपनी बात पर अडिग रहे और बाद में कृपाल परमार भी अपनी जिद पर अड़े रहे और चुनाव भी लड़ा। हिमाचल की फतेहपुर सीट से कृपाल परमार चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर सीट का हम आपको हाल बताते हैं। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया को 32,453 वोट मिले, बीजेपी के राकेश पठानिया को 25,462 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर आए कृपाल सिंह परमार को सिर्फ 2794 वोट मिले। कृपाल परमार साल 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव हार गए। कृपाल सिंह परमार बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी। इस बार जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। फतेहपुर सीट से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया और मैदान में उतर गए। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल दिया और इस तरह से वो एक्सपेल्ड बीजेपी उम्मीदवार बन गए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव खत्म हुए, नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार बनाने जा रही है। जीते और हारे कई कैंडिडेट्स की चर्चा हो रही है, लेकिन कृपाल सिंह परमार काफी खास हैं। कृपाल परमार वही नेता हैं जो बीजेपी से टिकट की चाहत पाले हुए थे, लेकिन टिकट न मिलने पर वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। कृपाल परमार उस वक्त खबरों में आए थे जब पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया था कि आप चुनाव ना लड़ें और मेरी बात मानिए। आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार जी, नमस्ते जी, मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुनेगा जी, जी। जी जी मोदी जी, मैं एक बात कहूं, आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी। नहीं, काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है। मोदी जी दो दिन पहले हो जाते हैं।
वीडियो में एक काफी सुनाई दे रहा है कि कैसे पीएम मोदी कृपाल परमार को मना रहे हैं और परमार खुद भी पीएम से नरमी से पेश आ रहे हैं। साथ ही कृपाल सिंह परमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी अपनी बात पर अड़िग रहे और बाद में कृपाल परमार भी अपनी जिद पर अड़े रहे और चुनाव भी लड़ा। हिमाचल की फतेहपुर सीट से कृपाल परमार चुनाव लड़े लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर सीट का हम आपको हाल बताते हैं। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया को 32,453 वोट मिले। बीजेपी के राकेश पठानिया को 25,462 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर आए कृपाल सिंह परमार को सिर्फ 2794 वोट मिले। कृपाल परमार साल 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे लेकिन चुनाव हार गए। कृपाल सिंह परमार बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी। इस बार जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। फतेहपुर सीट से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया और मैदान में उतर गए। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल दिया और इस तरह से वो एक्सपेल्ड बीजेपी उम्मीदवार बन गए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव खत्म हुए, नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार बनाने जा रही है। जीते और हारे कई कैंडिडेट्स की चर्चा हो रही है लेकिन कृपाल सिंह परमार काफी खास हैं। कृपाल परमार वही नेता हैं जो बीजेपी से टिकट की चाहत पाले हुए थे लेकिन टिकट न मिलने पर वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। कृपाल परमार उस वक्त खबरों में आए थे जब पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया था कि आप चुनाव ना लड़ें और मेरी बात मानिए। आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार जी, नमस्ते जी। मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुने जी? जी 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 मोदी जी, मैं एक बात कहूँ। आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी। नहीं, काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है मोदी जी। दो दिन पहले हो जाते। वीडियो में एक काफी सुनाई दे रहा है कि कैसे पीएम मोदी कृपाल परमार को मना रहे हैं और परमार खुद भी पीएम से नरमी से पेश आ रहे हैं। साथ ही कृपाल सिंह परमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी अपनी बात पर अडिग रहे और बाद में कृपाल परमार भी अपनी जिद पर अड़े रहे और चुनाव भी लड़ा। हिमाचल की फतेहपुर सीट से कृपाल परमार चुनाव लड़े लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर सीट का हम आपको हाल बताते हैं। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया को 32,453 वोट मिले। बीजेपी के राकेश पठानिया को 25,462 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर आए कृपाल सिंह परमार को सिर्फ 2794 वोट मिले। कृपाल परमार साल 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे लेकिन चुनाव हार गए। कृपाल सिंह परमार बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी। इस बार जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। फतेहपुर सीट से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया और मैदान में उतर गए। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल दिया और इस तरह से वो एक्सपेल्ड बीजेपी उम्मीदवार बन गए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव खत्म हुए, नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार बनाने जा रही है।
जीते और हारे कई कैंडिडेट्स की चर्चा हो रही है, लेकिन कृपाल सिंह परमार काफी खास हैं। कृपाल परमार वही नेता हैं जो बीजेपी से टिकट की चाहत पाले हुए थे, लेकिन टिकट न मिलने पर वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। कृपाल परमार उस वक्त खबरों में आए थे जब पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया था कि आप चुनाव ना लड़ें और मेरी बात मानिए। आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार जी, नमस्ते जी। मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुने जी। जी। जी जी मोदी जी, मैं एक बात कहूं। आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी। नहीं, काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का आदेश है। मोदी जी, दो दिन पहले हो जाते हैं। वीडियो में ये काफी सुनाई दे रहा है कि कैसे पीएम मोदी कृपाल परमार को मना रहे हैं और परमार खुद भी पीएम से नरमी से पेश आ रहे हैं। साथ ही कृपाल सिंह परमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी अपनी बात पर अड़िग रहे और बाद में कृपाल परमार भी अपनी जिद पर अड़े रहे और चुनाव भी लड़ा। हिमाचल की फतेहपुर सीट से कृपाल परमार चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर सीट का हम आपको हाल बताते हैं। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया को 32,453 वोट मिले। बीजेपी के राकेश पठानिया को 25,462 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर आए कृपाल सिंह परमार को सिर्फ 2794 वोट मिले। कृपाल परमार साल 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव हार गए। कृपाल सिंह परमार बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी। इस बार जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। फतेहपुर सीट से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया और मैदान में उतर गए। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल दिया और इस तरह से वो एक्सपेल्ड बीजेपी उम्मीदवार बन गए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव खत्म हुए, नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार बनाने जा रही है। जीते और हारे कई कैंडिडेट्स की चर्चा हो रही है, लेकिन कृपाल सिंह परमार काफी खास हैं। कृपाल परमार वही नेता हैं जो बीजेपी से टिकट की चाहत पाले हुए थे, लेकिन टिकट न मिलने पर वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। कृपाल परमार उस वक्त खबरों में आए थे जब पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया था कि आप चुनाव ना लड़ें और मेरी बात मानिए। आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार जी, नमस्ते जी। मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुने जी। जी। जी जी मोदी जी, मैं एक बात कहूं। आके तो मेरा भी है, मेरी मेरा
मोदी जी मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी। नहीं काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है। मोदी जी दो दिन पहले हो जाते हैं। वीडियो में एक काफी सुनाई दे रहा है कि कैसे पीएम मोदी कृपाल परमार को मना रहे हैं और परमार खुद भी पीएम से नरमी से पेश आ रहे हैं। साथ ही कृपाल सिंह परमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी अपनी बात पर अडिग रहे और बाद में कृपाल परमार भी अपनी जिद पर अड़े रहे और चुनाव भी लड़ा। हिमाचल की फतेहपुर सीट से कृपाल परमार चुनाव लड़े लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर सीट का हम आपको हाल बताते हैं। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया को 32,453 वोट मिले, बीजेपी के राकेश पठानिया को 25,462 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर आए कृपाल सिंह परमार को सिर्फ 2794 वोट मिले। कृपाल परमार साल 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे लेकिन चुनाव हार गए। कृपाल सिंह परमार बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी। इस बार जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। फतेहपुर सीट से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया और मैदान में उतर गए। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल दिया और इस तरह से वो एक्सपेल्ड बीजेपी उम्मीदवार बन गए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव खत्म हुए, नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार बनाने जा रही है। जीते और हारे कई कैंडिडेट्स की चर्चा हो रही है लेकिन कृपाल सिंह परमार काफी खास हैं। कृपाल परमार वही नेता हैं जो बीजेपी से टिकट की चाहत पाले हुए थे लेकिन टिकट न मिलने पर वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। कृपाल परमार उस वक्त खबरों में आए थे जब पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया था कि आप चुनाव ना लड़े और मेरी बात मानिए। आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार जी, नमस्ते जी। मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुनेगा जी, जी। जी जी मोदी जी, मैं एक बात कहूं। आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी। नहीं काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है। मोदी जी दो दिन पहले हो जाते हैं। वीडियो में एक काफी सुनाई दे रहा है कि कैसे पीएम मोदी कृपाल परमार को मना रहे हैं और परमार खुद भी पीएम से नरमी से पेश आ रहे हैं। साथ ही कृपाल सिंह परमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी अपनी बात पर अडिग रहे और बाद में कृपाल परमार भी अपनी जिद पर अड़े रहे और चुनाव भी लड़ा। हिमाचल की फतेहपुर सीट से कृपाल परमार चुनाव लड़े लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर सीट का हम आपको हाल बताते हैं। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया को 32,453 वोट मिले, बीजेपी के राकेश पठानिया को 25,462 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर आए कृपाल सिंह परमार को सिर्फ 2794 वोट मिले।
कृपाल परमार साल 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव हार गए। कृपाल सिंह परमार बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी। इस बार जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। फतेहपुर सीट से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया और मैदान में उतर गए। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल दिया और इस तरह से वो एक्सपेल्ड बीजेपी उम्मीदवार बन गए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव खत्म हुए, नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार बनाने जा रही है। जीते और हारे कई कैंडिडेट्स की चर्चा हो रही है, लेकिन कृपाल सिंह परमार काफी खास हैं। कृपाल परमार वही नेता हैं जो बीजेपी से टिकट की चाहत पाले हुए थे, लेकिन टिकट न मिलने पर वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। कृपाल परमार उस वक्त खबरों में आए थे जब पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया था कि आप चुनाव ना लड़े और मेरी बात मानिए। आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार जी, नमस्ते जी। मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुनेगा जी? जी 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 मोदी जी, मैं एक बात कहूं। आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी। नहीं, काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है मोदी जी। दो दिन पहले हो जाते। वीडियो में एक काफी सुनाई दे रहा है कि कैसे पीएम मोदी कृपाल परमार को मना रहे हैं और परमार खुद भी पीएम से नरमी से पेश आ रहे हैं। साथ ही कृपाल सिंह परमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी अपनी बात पर अडिग रहे और बाद में कृपाल परमार भी अपनी जिद पर अड़े रहे और चुनाव भी लड़ा। हिमाचल की फतेहपुर सीट से कृपाल परमार चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर सीट का हम आपको हाल बताते हैं। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया को 32,453 वोट मिले। बीजेपी के राकेश पठानिया को 25,462 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर आए कृपाल सिंह परमार को सिर्फ 2794 वोट मिले। कृपाल परमार साल 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव हार गए। कृपाल सिंह परमार बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी। इस बार जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। फतेहपुर सीट से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया और मैदान में उतर गए। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल दिया और इस तरह से वो एक्सपेल्ड बीजेपी उम्मीदवार बन गए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव खत्म हुए, नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार बनाने जा रही है। जीते और हारे कई कैंडिडेट्स की चर्चा हो रही है, लेकिन कृपाल सिंह परमार काफी खास हैं। कृपाल परमार वही नेता हैं जो बीजेपी से टिकट की चाहत पाले हुए थे, लेकिन टिकट न मिलने पर वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। कृपाल परमार उस वक्त खबरों में आए थे जब पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया था कि आप चुनाव ना लड़े और मेरी बात मानिए। आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार जी, नमस्ते जी। मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुनेगा जी? जी जी जी
मोदी जी, मैं एक बात कहूं, आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी। नहीं, काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है। मोदी जी दो दिन पहले हो जाते। वीडियो में एक काफी सुनाई दे रहा है कि कैसे पीएम मोदी कृपाल परमार को मना रहे हैं और परमार खुद भी पीएम से नरमी से पेश आ रहे हैं। साथ ही कृपाल सिंह परमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी अपनी बात पर अडिग रहे और बाद में कृपाल परमार भी अपनी जिद पर अड़े रहे और चुनाव भी लड़ा। हिमाचल की फतेहपुर सीट से कृपाल परमार चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर सीट का हम आपको हाल बताते हैं। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया को 32,453 वोट मिले, बीजेपी के राकेश पठानिया को 25,462 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर आए कृपाल सिंह परमार को सिर्फ 2794 वोट मिले। कृपाल परमार साल 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव हार गए। कृपाल सिंह परमार बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी। इस बार जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। फतेहपुर सीट से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया और मैदान में उतर गए। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल दिया और इस तरह से वो एक्सपेल्ड बीजेपी उम्मीदवार बन गए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव खत्म हुए, नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार बनाने जा रही है। जीते और हारे कई कैंडिडेट्स की चर्चा हो रही है, लेकिन कृपाल सिंह परमार काफी खास हैं। कृपाल परमार वही नेता हैं जो बीजेपी से टिकट की चाहत पाले हुए थे, लेकिन टिकट न मिलने पर वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। कृपाल परमार उस वक्त खबरों में आए थे जब पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया था कि आप चुनाव ना लड़े और मेरी बात मानिए। आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार जी, नमस्ते जी, मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुनेगा जी, 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 जी। मोदी जी, मैं एक बात कहूं, आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी। नहीं, काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है। मोदी जी दो दिन पहले हो जाते। वीडियो में एक काफी सुनाई दे रहा है कि कैसे पीएम मोदी कृपाल परमार को मना रहे हैं और परमार खुद भी पीएम से नरमी से पेश आ रहे हैं। साथ ही कृपाल सिंह परमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी अपनी बात पर अडिग रहे और बाद में कृपाल परमार भी अपनी जिद पर अड़े रहे और चुनाव भी लड़ा।
हिमाचल की फतेहपुर सीट से कृपाल परमार चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर सीट का हम आपको हाल बताते हैं। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया को 32,453 वोट मिले, बीजेपी के राकेश पठानिया को 25,462 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर आए कृपाल सिंह परमार को सिर्फ 2794 वोट मिले। कृपाल परमार साल 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव हार गए। कृपाल सिंह परमार बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी। इस बार जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। फतेहपुर सीट से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया और मैदान में उतर गए। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल दिया और इस तरह से वो एक्सपेल्ड बीजेपी उम्मीदवार बन गए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव खत्म हुए, नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार बनाने जा रही है। जीते और हारे कई कैंडिडेट्स की चर्चा हो रही है, लेकिन कृपाल सिंह परमार काफी खास हैं। कृपाल परमार वही नेता हैं जो बीजेपी से टिकट की चाहत पाले हुए थे, लेकिन टिकट न मिलने पर वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। कृपाल परमार उस वक्त खबरों में आए थे जब पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया था कि आप चुनाव ना लड़े और मेरी बात मानिए। आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार जी, नमस्ते जी। मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुनेगा जी? जी 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 मोदी जी, मैं एक बात कहूं। आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी। बहुत रोल है जी। नहीं, काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है। मोदी जी दो दिन पहले हो जाते। वीडियो में एक काफी सुनाई दे रहा है कि कैसे पीएम मोदी कृपाल परमार को मना रहे हैं और परमार खुद भी पीएम से नरमी से पेश आ रहे हैं। साथ ही कृपाल सिंह परमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी अपनी बात पर अडिग रहे और बाद में कृपाल परमार भी अपनी जिद पर अड़े रहे और चुनाव भी लड़ा। हिमाचल की फतेहपुर सीट से कृपाल परमार चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर सीट का हम आपको हाल बताते हैं। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया को 32,453 वोट मिले, बीजेपी के राकेश पठानिया को 25,462 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर आए कृपाल सिंह परमार को सिर्फ 2794 वोट मिले। कृपाल परमार साल 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव हार गए। कृपाल सिंह परमार बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी। इस बार जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। फतेहपुर सीट से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया और मैदान में उतर गए। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल दिया और इस तरह से वो एक्सपेल्ड बीजेपी उम्मीदवार बन गए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव खत्म हुए, नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार बनाने जा रही है। जीते और हारे कई कैंडिडेट्स की चर्चा हो रही है, लेकिन कृपाल सिंह परमार काफी खास हैं। कृपाल परमार वही नेता हैं जो बीजेपी से टिकट की चाहत पाले हुए थे, लेकिन टिकट न मिलने पर वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। कृपाल परमार उस वक्त खबरों में आए थे जब पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया था कि आप चुनाव ना लड़ें और मेरी बात मानिए। आप
ये वीडियो देखिए। नमस्कार जी, नमस्ते जी, मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुनेगा जी, जी 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 मोदी जी, मैं एक बात कहूं, आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी, नहीं काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है मोदी जी, दो दिन पहले हो जाते हैं। वीडियो में ये काफी सुनाई दे रहा है कि कैसे पीएम मोदी कृपाल परमार को मना रहे हैं और परमार खुद भी पीएम से नरमी से पेश आ रहे हैं। साथ ही कृपाल सिंह परमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी अपनी बात पर अड़िग रहे और बाद में कृपाल परमार भी अपनी जिद पर अड़े रहे और चुनाव भी लड़ा। हिमाचल की फतेहपुर सीट से कृपाल परमार चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर सीट का हम आपको हाल बताते हैं। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया को 32,453 वोट मिले, बीजेपी के राकेश पठानिया को 25,462 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर आए कृपाल सिंह परमार को सिर्फ 2794 वोट मिले। कृपाल परमार साल 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव हार गए। कृपाल सिंह परमार बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी। इस बार जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। फतेहपुर सीट से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया और मैदान में उतर गए। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल दिया और इस तरह से वो एक्सपेल्ड बीजेपी उम्मीदवार बन गए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव खत्म हुए, नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार बनाने जा रही है। जीते और हारे कई कैंडिडेट्स की चर्चा हो रही है, लेकिन कृपाल सिंह परमार काफी खास हैं। कृपाल परमार वही नेता हैं जो बीजेपी से टिकट की चाहत पाले हुए थे, लेकिन टिकट न मिलने पर वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। कृपाल परमार उस वक्त खबरों में आए थे जब पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया था कि आप चुनाव ना लड़ें और मेरी बात मानिए। आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार जी, नमस्ते जी, मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुनेगा जी, जी। जी जी मोदी जी, मैं एक बात कहूं, आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी, नहीं काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है मोदी जी, दो दिन पहले हो जाते हैं।
वीडियो में एक काफी सुनाई दे रहा है कि कैसे पीएम मोदी कृपाल परमार को मना रहे हैं और परमार खुद भी पीएम से नरमी से पेश आ रहे हैं। साथ ही कृपाल सिंह परमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी अपनी बात पर अड़िग रहे और बाद में कृपाल परमार भी अपनी जिद पर अड़े रहे और चुनाव भी लड़ा। हिमाचल की फतेहपुर सीट से कृपाल परमार चुनाव लड़े लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर सीट का हम आपको हाल बताते हैं। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया को 32,453 वोट मिले। बीजेपी के राकेश पठानिया को 25,462 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर आए कृपाल सिंह परमार को सिर्फ 2794 वोट मिले। कृपाल परमार साल 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे लेकिन चुनाव हार गए। कृपाल सिंह परमार बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी। इस बार जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। फतेहपुर सीट से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया और मैदान में उतर गए। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल दिया और इस तरह से वो एक्सपेल्ड बीजेपी उम्मीदवार बन गए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव खत्म हुए, नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार बनाने जा रही है। जीते और हारे कई कैंडिडेट्स की चर्चा हो रही है लेकिन कृपाल सिंह परमार काफी खास हैं। कृपाल परमार वही नेता हैं जो बीजेपी से टिकट की चाहत पाले हुए थे लेकिन टिकट न मिलने पर वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। कृपाल परमार उस वक्त खबरों में आए थे जब पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया था कि आप चुनाव ना लड़ें और मेरी बात मानिए। आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार जी, नमस्ते जी। मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुने जी? जी 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 मोदी जी, मैं एक बात कहूँ। आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी। नहीं, काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है मोदी जी। दो दिन पहले हो जाते। वीडियो में एक काफी सुनाई दे रहा है कि कैसे पीएम मोदी कृपाल परमार को मना रहे हैं और परमार खुद भी पीएम से नरमी से पेश आ रहे हैं। साथ ही कृपाल सिंह परमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी अपनी बात पर अड़िग रहे और बाद में कृपाल परमार भी अपनी जिद पर अड़े रहे और चुनाव भी लड़ा। हिमाचल की फतेहपुर सीट से कृपाल परमार चुनाव लड़े लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर सीट का हम आपको हाल बताते हैं। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया को 32,453 वोट मिले। बीजेपी के राकेश पठानिया को 25,462 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर आए कृपाल सिंह परमार को सिर्फ 2794 वोट मिले। कृपाल परमार साल 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे लेकिन चुनाव हार गए। कृपाल सिंह परमार बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी। इस बार जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। फतेहपुर सीट से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया और मैदान में उतर गए। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल दिया और इस तरह से वो एक्सपेल्ड बीजेपी उम्मीदवार बन गए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव खत्म हुए, नतीजे आ चुके हैं।
कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार बनाने जा रही है। जीते और हारे कई कैंडिडेट्स की चर्चा हो रही है, लेकिन कृपाल सिंह परमार काफी खास हैं। कृपाल परमार वही नेता हैं जो बीजेपी से टिकट की चाहत पाले हुए थे, लेकिन टिकट न मिलने पर वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। कृपाल परमार उस वक्त खबरों में आए थे जब पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया था कि आप चुनाव ना लड़ें और मेरी बात मानिए। आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार जी, नमस्ते जी। मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुने जी। जी। जी जी मोदी जी, मैं एक बात कहूं। आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी। नहीं, काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है। मोदी जी, दो दिन पहले हो जाते हैं। वीडियो में ये काफी सुनाई दे रहा है कि कैसे पीएम मोदी कृपाल परमार को मना रहे हैं और परमार खुद भी पीएम से नरमी से पेश आ रहे हैं। साथ ही कृपाल सिंह परमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी अपनी बात पर अड़िग रहे और बाद में कृपाल परमार भी अपनी जिद पर अड़े रहे और चुनाव भी लड़ा। हिमाचल की फतेहपुर सीट से कृपाल परमार चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर सीट का हम आपको हाल बताते हैं। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया को 32,453 वोट मिले। बीजेपी के राकेश पठानिया को 25,462 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर आए कृपाल सिंह परमार को सिर्फ 2794 वोट मिले। कृपाल परमार साल 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव हार गए। कृपाल सिंह परमार बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी। इस बार जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। फतेहपुर सीट से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया और मैदान में उतर गए। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल दिया और इस तरह से वो एक्सपेल्ड बीजेपी उम्मीदवार बन गए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव खत्म हुए, नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार बनाने जा रही है। जीते और हारे कई कैंडिडेट्स की चर्चा हो रही है, लेकिन कृपाल सिंह परमार काफी खास हैं। कृपाल परमार वही नेता हैं जो बीजेपी से टिकट की चाहत पाले हुए थे, लेकिन टिकट न मिलने पर वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। कृपाल परमार उस वक्त खबरों में आए थे जब पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया था कि आप चुनाव ना लड़ें और मेरी बात मानिए। आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार जी, नमस्ते जी। मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुने जी। जी। जी जी मोदी जी, मैं एक बात कहूं। आके तो मेरा भी है, मेरी मेरा
मोदी जी मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी। नहीं काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है मोदी जी। दो दिन पहले हो जाते हैं। वीडियो में ये काफी सुनाई दे रहा है कि कैसे पीएम मोदी कृपाल परमार को मना रहे हैं और परमार खुद भी पीएम से नरमी से पेश आ रहे हैं। साथ ही कृपाल सिंह परमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी अपनी बात पर अडिग रहे और बाद में कृपाल परमार भी अपनी जिद पर अड़े रहे और चुनाव भी लड़ा। हिमाचल की फतेहपुर सीट से कृपाल परमार चुनाव लड़े लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर सीट का हम आपको हाल बताते हैं। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया को 32,453 वोट मिले, बीजेपी के राकेश पठानिया को 25,462 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर आए कृपाल सिंह परमार को सिर्फ 2794 वोट मिले। कृपाल परमार साल 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे लेकिन चुनाव हार गए। कृपाल सिंह परमार बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी। इस बार जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। फतेहपुर सीट से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया और मैदान में उतर गए। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल दिया और इस तरह से वो एक्सपेल्ड बीजेपी उम्मीदवार बन गए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव खत्म हुए, नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार बनाने जा रही है। जीते और हारे कई कैंडिडेट्स की चर्चा हो रही है लेकिन कृपाल सिंह परमार काफी खास हैं। कृपाल परमार वही नेता हैं जो बीजेपी से टिकट की चाहत पाले हुए थे लेकिन टिकट न मिलने पर वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। कृपाल परमार उस वक्त खबरों में आए थे जब पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया था कि आप चुनाव ना लड़ें और मेरी बात मानिए। आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार जी, नमस्ते जी। मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुनेगा जी, जी। जी जी मोदी जी, मैं एक बात कहूँ आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी। नहीं काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है मोदी जी। दो दिन पहले हो जाते हैं। वीडियो में ये काफी सुनाई दे रहा है कि कैसे पीएम मोदी कृपाल परमार को मना रहे हैं और परमार खुद भी पीएम से नरमी से पेश आ रहे हैं। साथ ही कृपाल सिंह परमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी अपनी बात पर अडिग रहे और बाद में कृपाल परमार भी अपनी जिद पर अड़े रहे और चुनाव भी लड़ा। हिमाचल की फतेहपुर सीट से कृपाल परमार चुनाव लड़े लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर सीट का हम आपको हाल बताते हैं। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया को 32,453 वोट मिले, बीजेपी के राकेश पठानिया को 25,462 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर आए कृपाल सिंह परमार को सिर्फ 2794 वोट मिले। कृपाल परमार साल 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे लेकिन चुनाव हार गए।
कृपाल सिंह परमार बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी। इस बार जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। फतेहपुर सीट से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया और मैदान में उतर गए। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल दिया और इस तरह से वो एक्सपेल्ड बीजेपी उम्मीदवार बन गए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव खत्म हुए, नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार बनाने जा रही है। जीते और हारे कई कैंडिडेट्स की चर्चा हो रही है, लेकिन कृपाल सिंह परमार काफी खास हैं। कृपाल परमार वही नेता हैं जो बीजेपी से टिकट की चाहत पाले हुए थे, लेकिन टिकट न मिलने पर वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। कृपाल परमार उस वक्त खबरों में आए थे जब पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया था कि आप चुनाव ना लड़ें और मेरी बात मानिए। आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार जी, नमस्ते जी। मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुनेगा जी? जी 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 मोदी जी, मैं एक बात कहूं। आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी। नहीं, काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है मोदी जी। दो दिन पहले हो जाते हैं। वीडियो में एक काफी सुनाई दे रहा है कि कैसे पीएम मोदी कृपाल परमार को मना रहे हैं और परमार खुद भी पीएम से नरमी से पेश आ रहे हैं। साथ ही कृपाल सिंह परमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी अपनी बात पर अड़िग रहे और बाद में कृपाल परमार भी अपनी जिद पर अड़े रहे और चुनाव भी लड़ा। हिमाचल की फतेहपुर सीट से कृपाल परमार चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर सीट का हम आपको हाल बताते हैं। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया को 32,453 वोट मिले। बीजेपी के राकेश पठानिया को 25,462 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर आए कृपाल सिंह परमार को सिर्फ 2794 वोट मिले। कृपाल परमार साल 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव हार गए। कृपाल सिंह परमार बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी। इस बार जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। फतेहपुर सीट से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया और मैदान में उतर गए। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल दिया और इस तरह से वो एक्सपेल्ड बीजेपी उम्मीदवार बन गए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव खत्म हुए, नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार बनाने जा रही है। जीते और हारे कई कैंडिडेट्स की चर्चा हो रही है, लेकिन कृपाल सिंह परमार काफी खास हैं। कृपाल परमार वही नेता हैं जो बीजेपी से टिकट की चाहत पाले हुए थे, लेकिन टिकट न मिलने पर वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। कृपाल परमार उस वक्त खबरों में आए थे जब पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया था कि आप चुनाव ना लड़ें और मेरी बात मानिए। आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार जी, नमस्ते जी। मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुनेगा जी? जी जी जी
मोदी जी, मैं एक बात कहूं, आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी। नहीं, काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है। मोदी जी दो दिन पहले हो जाते हैं। वीडियो में एक काफी सुनाई दे रहा है कि कैसे पीएम मोदी कृपाल परमार को मना रहे हैं और परमार खुद भी पीएम से नरमी से पेश आ रहे हैं। साथ ही कृपाल सिंह परमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी अपनी बात पर अडिग रहे और बाद में कृपाल परमार भी अपनी जिद पर अड़े रहे और चुनाव भी लड़ा। हिमाचल की फतेहपुर सीट से कृपाल परमार चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर सीट का हम आपको हाल बताते हैं। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया को 32,453 वोट मिले, बीजेपी के राकेश पठानिया को 25,462 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर आए कृपाल सिंह परमार को सिर्फ 2794 वोट मिले। कृपाल परमार साल 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव हार गए। कृपाल सिंह परमार बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी। इस बार जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। फतेहपुर सीट से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया और मैदान में उतर गए। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल दिया और इस तरह से वो एक्सपेल्ड बीजेपी उम्मीदवार बन गए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव खत्म हुए, नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार बनाने जा रही है। जीते और हारे कई कैंडिडेट्स की चर्चा हो रही है, लेकिन कृपाल सिंह परमार काफी खास हैं। कृपाल परमार वही नेता हैं जो बीजेपी से टिकट की चाहत पाले हुए थे, लेकिन टिकट न मिलने पर वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। कृपाल परमार उस वक्त खबरों में आए थे जब पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया था कि आप चुनाव ना लड़े और मेरी बात मानिए। आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार जी, नमस्ते जी, मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुनेगा जी, 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 जी। मोदी जी, मैं एक बात कहूं, आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी। नहीं, काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है। मोदी जी दो दिन पहले हो जाते हैं। वीडियो में एक काफी सुनाई दे रहा है कि कैसे पीएम मोदी कृपाल परमार को मना रहे हैं और परमार खुद भी पीएम से नरमी से पेश आ रहे हैं।
साथ ही कृपाल सिंह परमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी अपनी बात पर अडिग रहे और बाद में कृपाल परमार भी अपनी जिद पर अड़े रहे और चुनाव भी लड़ा। हिमाचल की फतेहपुर सीट से कृपाल परमार चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर सीट का हम आपको हाल बताते हैं। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया को 32,453 वोट मिले। बीजेपी के राकेश पठानिया को 25,462 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर आए कृपाल सिंह परमार को सिर्फ 2794 वोट मिले। कृपाल परमार साल 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव हार गए। कृपाल सिंह परमार बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी। इस बार जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। फतेहपुर सीट से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया और मैदान में उतर गए। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल दिया और इस तरह से वो एक्सपेल्ड बीजेपी उम्मीदवार बन गए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव खत्म हुए, नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार बनाने जा रही है। जीते और हारे कई कैंडिडेट्स की चर्चा हो रही है, लेकिन कृपाल सिंह परमार काफी खास हैं। कृपाल परमार वही नेता हैं जो बीजेपी से टिकट की चाहत पाले हुए थे, लेकिन टिकट न मिलने पर वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। कृपाल परमार उस वक्त खबरों में आए थे जब पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया था कि आप चुनाव ना लड़े और मेरी बात मानिए। आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार जी, नमस्ते जी। मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुनेगा जी? जी 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 मोदी जी, मैं एक बात कहूं। आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी। बहुत रोल है जी। नहीं, काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है। मोदी जी दो दिन पहले हो जाते। वीडियो में एक काफी सुनाई दे रहा है कि कैसे पीएम मोदी कृपाल परमार को मना रहे हैं और परमार खुद भी पीएम से नरमी से पेश आ रहे हैं। साथ ही कृपाल सिंह परमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी अपनी बात पर अडिग रहे और बाद में कृपाल परमार भी अपनी जिद पर अड़े रहे और चुनाव भी लड़ा। हिमाचल की फतेहपुर सीट से कृपाल परमार चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर सीट का हम आपको हाल बताते हैं। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया को 32,453 वोट मिले। बीजेपी के राकेश पठानिया को 25,462 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर आए कृपाल सिंह परमार को सिर्फ 2794 वोट मिले। कृपाल परमार साल 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव हार गए। कृपाल सिंह परमार बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी। इस बार जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। फतेहपुर सीट से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया और मैदान में उतर गए। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल दिया और इस तरह से वो एक्सपेल्ड बीजेपी उम्मीदवार बन गए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव खत्म हुए, नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार बनाने जा रही है। जीते और हारे कई कैंडिडेट्स की चर्चा हो रही है, लेकिन कृपाल सिंह परमार काफी खास हैं।
कृपाल परमार वही नेता हैं जो बीजेपी से टिकट की चाहत पाले हुए थे, लेकिन टिकट न मिलने पर वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। कृपाल परमार उस वक्त खबरों में आए थे जब पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया था कि आप चुनाव ना लड़े और मेरी बात मानिए। आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार जी, नमस्ते जी। मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुनेगा जी? जी 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 मोदी जी, मैं एक बात कहूं। आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी। नहीं, काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है। मोदी जी दो दिन पहले हो जाते। वीडियो में एक काफी सुनाई दे रहा है कि कैसे पीएम मोदी कृपाल परमार को मना रहे हैं और परमार खुद भी पीएम से नरमी से पेश आ रहे हैं। साथ ही कृपाल सिंह परमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी अपनी बात पर अडिग रहे और बाद में कृपाल परमार भी अपनी जिद पर अड़े रहे और चुनाव भी लड़ा। हिमाचल की फतेहपुर सीट से कृपाल परमार चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर सीट का हम आपको हाल बताते हैं। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया को 32,453 वोट मिले, बीजेपी के राकेश पठानिया को 25,462 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर आए कृपाल सिंह परमार को सिर्फ 2794 वोट मिले। कृपाल परमार साल 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव हार गए। कृपाल सिंह परमार बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी। इस बार जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। फतेहपुर सीट से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया और मैदान में उतर गए। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल दिया और इस तरह से वो एक्सपेल्ड बीजेपी उम्मीदवार बन गए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव खत्म हुए, नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार बनाने जा रही है। जीते और हारे कई कैंडिडेट्स की चर्चा हो रही है, लेकिन कृपाल सिंह परमार काफी खास है। कृपाल परमार वही नेता हैं जो बीजेपी से टिकट की चाहत पाले हुए थे, लेकिन टिकट न मिलने पर वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। कृपाल परमार उस वक्त खबरों में आए थे जब पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया था कि आप चुनाव ना लड़े और मेरी बात मानिए। आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार जी, नमस्ते जी। मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुनेगा जी? जी 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 मोदी जी, मैं एक बात कहूं। आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी।
बहुत रोल है जी। नहीं काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है। मोदी जी दो दिन पहले हो जाते हैं। वीडियो में एक काफी सुनाई दे रहा है कि कैसे पीएम मोदी कृपाल परमार को मना रहे हैं और परमार खुद भी पीएम से नरमी से पेश आ रहे हैं। साथ ही कृपाल सिंह परमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी अपनी बात पर अडिग रहे और बाद में कृपाल परमार भी अपनी जिद पर अड़े रहे और चुनाव भी लड़ा। हिमाचल की फतेहपुर सीट से कृपाल परमार चुनाव लड़े लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर सीट का हम आपको हाल बताते हैं। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया को 32,453 वोट मिले। बीजेपी के राकेश पठानिया को 25,462 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर आए कृपाल सिंह परमार को सिर्फ 2794 वोट मिले। कृपाल परमार साल 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे लेकिन चुनाव हार गए। कृपाल सिंह परमार बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी। इस बार जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। फतेहपुर सीट से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया और मैदान में उतर गए। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी से 6 के लिए निकाल दिया और इस तरह से वो एक्सपेल्ड बीजेपी उम्मीदवार बन गए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव खत्म हुए, नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार बनाने जा रही है। जीते और हारे कई कैंडिडेट्स की चर्चा हो रही है लेकिन कृपाल सिंह परमार काफी खास हैं। कृपाल परमार वही नेता हैं जो बीजेपी से टिकट की चाहत पाले हुए थे लेकिन टिकट न मिलने पर वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। कृपाल परमार उस वक्त खबरों में आए थे जब पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया था कि आप चुनाव ना लड़ें और मेरी बात मानिए। आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार जी, नमस्ते जी। मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुने जी। जी। जी जी मोदी जी, मैं एक बात कहूं। आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 जी। बहुत रोल है जी। नहीं काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है मोदी जी। दो दिन पहले हो जाते हैं। वीडियो में एक काफी सुनाई दे रहा है कि कैसे पीएम मोदी कृपाल परमार को मना रहे हैं और परमार खुद भी पीएम से नरमी से पेश आ रहे हैं। साथ ही कृपाल सिंह परमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी अपनी बात पर अडिग रहे और बाद में कृपाल परमार भी अपनी जिद पर अड़े रहे और चुनाव भी लड़ा। हिमाचल की फतेहपुर सीट से कृपाल परमार चुनाव लड़े लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर सीट का हम आपको हाल बताते हैं। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया को 32,453 वोट मिले। बीजेपी के राकेश पठानिया को 25,462 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर आए कृपाल सिंह परमार को सिर्फ 2794 वोट मिले। कृपाल परमार साल 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे लेकिन चुनाव हार गए।
कृपाल सिंह परमार बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी। इस बार जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। फतेहपुर सीट से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया और मैदान में उतर गए। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल दिया और इस तरह से वो एक्सपेल्ड बीजेपी उम्मीदवार बन गए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव खत्म हुए, नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार बनाने जा रही है। जीते और हारे कई कैंडिडेट्स की चर्चा हो रही है, लेकिन कृपाल सिंह परमार काफी खास हैं। कृपाल परमार वही नेता हैं जो बीजेपी से टिकट की चाहत पाले हुए थे, लेकिन टिकट न मिलने पर वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। कृपाल परमार उस वक्त खबरों में आए थे जब पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया था कि आप चुनाव ना लड़ें और मेरी बात मानिए। आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार जी, नमस्ते जी। मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुने जी? जी 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 मोदी जी, मैं एक बात कहूं। आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी। नहीं, काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है मोदी जी। दो दिन पहले हो जाते। वीडियो में काफी सुनाई दे रहा है कि कैसे पीएम मोदी कृपाल परमार को मना रहे हैं और परमार खुद भी पीएम से नरमी से पेश आ रहे हैं। साथ ही कृपाल सिंह परमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी अपनी बात पर अड़िग रहे और बाद में कृपाल परमार भी अपनी जिद पर अड़े रहे और चुनाव भी लड़ा। हिमाचल की फतेहपुर सीट से कृपाल परमार चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर सीट का हम आपको हाल बताते हैं। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया को 32,453 वोट मिले। बीजेपी के राकेश पठानिया को 25,462 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर आए कृपाल सिंह परमार को सिर्फ 2794 वोट मिले। कृपाल परमार साल 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव हार गए। कृपाल सिंह परमार बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी। इस बार जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। फतेहपुर सीट से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया और मैदान में उतर गए। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल दिया और इस तरह से वो एक्सपेल्ड बीजेपी उम्मीदवार बन गए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव खत्म हुए, नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार बनाने जा रही है। जीते और हारे कई कैंडिडेट्स की चर्चा हो रही है, लेकिन कृपाल सिंह परमार काफी खास हैं। कृपाल परमार वही नेता हैं जो बीजेपी से टिकट की चाहत पाले हुए थे, लेकिन टिकट न मिलने पर वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। कृपाल परमार उस वक्त खबरों में आए थे जब पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया था कि आप चुनाव ना लड़ें और मेरी बात मानिए। आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार जी, नमस्ते जी। मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुने जी? जी जी
जी मोदी जी, मैं एक बात कहूं, आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी, नहीं काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है मोदी जी, दो दिन पहले हो जाते हैं। वीडियो में एक काफी सुनाई दे रहा है कि कैसे पीएम मोदी कृपाल परमार को मना रहे हैं और परमार खुद भी पीएम से नरमी से पेश आ रहे हैं। साथ ही कृपाल सिंह परमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी अपनी बात पर अड़िग रहे और बाद में कृपाल परमार भी अपनी जिद पर अड़े रहे और चुनाव भी लड़ा। हिमाचल की फतेहपुर सीट से कृपाल परमार चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर सीट का हम आपको हाल बताते हैं। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया को 32,453 वोट मिले, बीजेपी के राकेश पठानिया को 25,462 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर आए कृपाल सिंह परमार को सिर्फ 2794 वोट मिले। कृपाल परमार साल 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव हार गए। कृपाल सिंह परमार बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी। इस बार जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। फतेहपुर सीट से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया और मैदान में उतर गए। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल दिया और इस तरह से वो एक्सपेल्ड बीजेपी उम्मीदवार बन गए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव खत्म हुए, नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार बनाने जा रही है। जीते और हारे कई कैंडिडेट्स की चर्चा हो रही है, लेकिन कृपाल सिंह परमार काफी खास हैं। कृपाल परमार वही नेता हैं जो बीजेपी से टिकट की चाहत पाले हुए थे, लेकिन टिकट न मिलने पर वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। कृपाल परमार उस वक्त खबरों में आए थे जब पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया था कि आप चुनाव ना लड़ें और मेरी बात मानिए। आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार जी, नमस्ते जी, मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुनेगा जी, जी। जी जी मोदी जी, मैं एक बात कहूं, आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी, नहीं काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है मोदी जी, दो दिन पहले हो जाते हैं।
वीडियो में एक काफी सुनाई दे रहा है कि कैसे पीएम मोदी कृपाल परमार को मना रहे हैं और परमार खुद भी पीएम से नरमी से पेश आ रहे हैं। साथ ही कृपाल सिंह परमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी अपनी बात पर अडिग रहे और बाद में कृपाल परमार भी अपनी जिद पर अड़े रहे और चुनाव भी लड़ा। हिमाचल की फतेहपुर सीट से कृपाल परमार चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर सीट का हम आपको हाल बताते हैं। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया को 32,453 वोट मिले। बीजेपी के राकेश पठानिया को 25,462 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर आए कृपाल सिंह परमार को सिर्फ 2794 वोट मिले। कृपाल परमार साल 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव हार गए। कृपाल सिंह परमार बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी। इस बार जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। फतेहपुर सीट से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया और मैदान में उतर गए। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल दिया और इस तरह से वो एक्सपेल्ड बीजेपी उम्मीदवार बन गए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव खत्म हुए, नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार बनाने जा रही है। जीते और हारे कई कैंडिडेट्स की चर्चा हो रही है, लेकिन कृपाल सिंह परमार काफी खास हैं। कृपाल परमार वही नेता हैं जो बीजेपी से टिकट की चाहत पाले हुए थे, लेकिन टिकट न मिलने पर वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। कृपाल परमार उस वक्त खबरों में आए थे जब पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया था कि आप चुनाव ना लड़ें और मेरी बात मानिए। आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार जी, नमस्ते जी। मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुने जी? जी 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 मोदी जी, मैं एक बात कहूं। आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी। नहीं, काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है। मोदी जी, दो दिन पहले हो जाते हैं। वीडियो में एक काफी सुनाई दे रहा है कि कैसे पीएम मोदी कृपाल परमार को मना रहे हैं और परमार खुद भी पीएम से नरमी से पेश आ रहे हैं। साथ ही कृपाल सिंह परमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी अपनी बात पर अडिग रहे और बाद में कृपाल परमार भी अपनी जिद पर अड़े रहे और चुनाव भी लड़ा। हिमाचल की फतेहपुर सीट से कृपाल परमार चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर सीट का हम आपको हाल बताते हैं। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया को 32,453 वोट मिले। बीजेपी के राकेश पठानिया को 25,462 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर आए कृपाल सिंह परमार को सिर्फ 2794 वोट मिले। कृपाल परमार साल 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव हार गए। कृपाल सिंह परमार बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी। इस बार जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। फतेहपुर सीट से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया और मैदान में उतर गए। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल दिया और इस तरह से वो एक्सपेल्ड बीजेपी उम्मीदवार बन गए।
हिमाचल प्रदेश के चुनाव खत्म हुए, नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार बनाने जा रही है। जीते और हारे कई कैंडिडेट्स की चर्चा हो रही है, लेकिन कृपाल सिंह परमार काफी खास हैं। कृपाल परमार वही नेता हैं जो बीजेपी से टिकट की चाहत पाले हुए थे, लेकिन टिकट न मिलने पर वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। कृपाल परमार उस वक्त खबरों में आए थे जब पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया था कि आप चुनाव ना लड़ें और मेरी बात मानिए। आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार जी, नमस्ते जी। मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुनेगा जी? जी 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 मोदी जी, मैं एक बात कहूं। आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी। नहीं, काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है मोदी जी। दो दिन पहले हो जाते हैं। वीडियो में एक काफी सुनाई दे रहा है कि कैसे पीएम मोदी कृपाल परमार को मना रहे हैं और परमार खुद भी पीएम से नरमी से पेश आ रहे हैं। साथ ही कृपाल सिंह परमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी अपनी बात पर अडिग रहे और बाद में कृपाल परमार भी अपनी जिद पर अड़े रहे और चुनाव भी लड़ा। हिमाचल की फतेहपुर सीट से कृपाल परमार चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर सीट का हम आपको हाल बताते हैं। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया को 32,453 वोट मिले। बीजेपी के राकेश पठानिया को 25,462 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर आए कृपाल सिंह परमार को सिर्फ 2794 वोट मिले। कृपाल परमार साल 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव हार गए। कृपाल सिंह परमार बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी। इस बार जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। फतेहपुर सीट से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया और मैदान में उतर गए। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल दिया और इस तरह से वो एक्सपेल्ड बीजेपी उम्मीदवार बन गए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव खत्म हुए, नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार बनाने जा रही है। जीते और हारे कई कैंडिडेट्स की चर्चा हो रही है, लेकिन कृपाल सिंह परमार काफी खास हैं। कृपाल परमार वही नेता हैं जो बीजेपी से टिकट की चाहत पाले हुए थे, लेकिन टिकट न मिलने पर वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। कृपाल परमार उस वक्त खबरों में आए थे जब पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया था कि आप चुनाव ना लड़ें और मेरी बात मानिए। आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार जी, नमस्ते जी। मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुनेगा जी? जी 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 मोदी जी, मैं एक बात कहूं। आके तो मेरा भी है, मेरी
मोदी जी मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी। नहीं काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है। मोदी जी दो दिन पहले हो जाते। वीडियो में एक काफी सुनाई दे रहा है कि कैसे पीएम मोदी कृपाल परमार को मना रहे हैं और परमार खुद भी पीएम से नरमी से पेश आ रहे हैं। साथ ही कृपाल सिंह परमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी अपनी बात पर अडिग रहे और बाद में कृपाल परमार भी अपनी जिद पर अड़े रहे और चुनाव भी लड़ा। हिमाचल की फतेहपुर सीट से कृपाल परमार चुनाव लड़े लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर सीट का हम आपको हाल बताते हैं। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया को 32,453 वोट मिले, बीजेपी के राकेश पठानिया को 25,462 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर आए कृपाल सिंह परमार को सिर्फ 2794 वोट मिले। कृपाल परमार साल 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे लेकिन चुनाव हार गए। कृपाल सिंह परमार बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी। इस बार जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। फतेहपुर सीट से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया और मैदान में उतर गए। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल दिया और इस तरह से वो एक्सपेल्ड बीजेपी उम्मीदवार बन गए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव खत्म हुए, नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार बनाने जा रही है। जीते और हारे कई कैंडिडेट्स की चर्चा हो रही है लेकिन कृपाल सिंह परमार काफी खास हैं। कृपाल परमार वही नेता हैं जो बीजेपी से टिकट की चाहत पाले हुए थे लेकिन टिकट न मिलने पर वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। कृपाल परमार उस वक्त खबरों में आए थे जब पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया था कि आप चुनाव ना लड़े और मेरी बात मानिए। आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार जी, नमस्ते जी। मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुनेगा जी, जी। जी जी मोदी जी, मैं एक बात कहूं। आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी। नहीं काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है। मोदी जी दो दिन पहले हो जाते। वीडियो में एक काफी सुनाई दे रहा है कि कैसे पीएम मोदी कृपाल परमार को मना रहे हैं और परमार खुद भी पीएम से नरमी से पेश आ रहे हैं। साथ ही कृपाल सिंह परमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी अपनी बात पर अडिग रहे और बाद में कृपाल परमार भी अपनी जिद पर अड़े रहे और चुनाव भी लड़ा। हिमाचल की फतेहपुर सीट से कृपाल परमार चुनाव लड़े लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर सीट का हम आपको हाल बताते हैं। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया को 32,453 वोट मिले, बीजेपी के राकेश पठानिया को 25,462 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर आए कृपाल सिंह परमार को सिर्फ 2794 वोट मिले। कृपाल परमार साल 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे लेकिन चुनाव हार गए।
कृपाल सिंह परमार बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी। इस बार जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। फतेहपुर सीट से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया और मैदान में उतर गए। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल दिया और इस तरह से वो एक्सपेल्ड बीजेपी उम्मीदवार बन गए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव खत्म हुए, नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार बनाने जा रही है। जीते और हारे कई कैंडिडेट्स की चर्चा हो रही है, लेकिन कृपाल सिंह परमार काफी खास हैं। कृपाल परमार वही नेता हैं जो बीजेपी से टिकट की चाहत पाले हुए थे, लेकिन टिकट न मिलने पर वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। कृपाल परमार उस वक्त खबरों में आए थे जब पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया था कि आप चुनाव ना लड़े और मेरी बात मानिए। आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार जी, नमस्ते जी। मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुनेगा जी? जी 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 मोदी जी, मैं एक बात कहूं। आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी। नहीं, काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है मोदी जी। दो दिन पहले हो जाते। वीडियो में एक काफी सुनाई दे रहा है कि कैसे पीएम मोदी कृपाल परमार को मना रहे हैं और परमार खुद भी पीएम से नरमी से पेश आ रहे हैं। साथ ही कृपाल सिंह परमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी अपनी बात पर अडिग रहे और बाद में कृपाल परमार भी अपनी जिद पर अड़े रहे और चुनाव भी लड़ा। हिमाचल की फतेहपुर सीट से कृपाल परमार चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर सीट का हम आपको हाल बताते हैं। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया को 32,453 वोट मिले। बीजेपी के राकेश पठानिया को 25,462 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर आए कृपाल सिंह परमार को सिर्फ 2794 वोट मिले। कृपाल परमार साल 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव हार गए। कृपाल सिंह परमार बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी। इस बार जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। फतेहपुर सीट से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया और मैदान में उतर गए। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल दिया और इस तरह से वो एक्सपेल्ड बीजेपी उम्मीदवार बन गए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव खत्म हुए, नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार बनाने जा रही है। जीते और हारे कई कैंडिडेट्स की चर्चा हो रही है, लेकिन कृपाल सिंह परमार काफी खास हैं। कृपाल परमार वही नेता हैं जो बीजेपी से टिकट की चाहत पाले हुए थे, लेकिन टिकट न मिलने पर वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। कृपाल परमार उस वक्त खबरों में आए थे जब पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया था कि आप चुनाव ना लड़े और मेरी बात मानिए। आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार जी, नमस्ते जी। मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुनेगा जी? जी जी जी
मोदी जी, मैं एक बात कहूं, आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी। नहीं, काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है। मोदी जी दो दिन पहले हो जाते। वीडियो में एक काफी सुनाई दे रहा है कि कैसे पीएम मोदी कृपाल परमार को मना रहे हैं और परमार खुद भी पीएम से नरमी से पेश आ रहे हैं। साथ ही कृपाल सिंह परमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी अपनी बात पर अडिग रहे और बाद में कृपाल परमार भी अपनी जिद पर अड़े रहे और चुनाव भी लड़ा। हिमाचल की फतेहपुर सीट से कृपाल परमार चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर सीट का हम आपको हाल बताते हैं। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया को 32,453 वोट मिले, बीजेपी के राकेश पठानिया को 25,462 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर आए कृपाल सिंह परमार को सिर्फ 2794 वोट मिले। कृपाल परमार साल 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव हार गए। कृपाल सिंह परमार बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी। इस बार जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। फतेहपुर सीट से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया और मैदान में उतर गए। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल दिया और इस तरह से वो एक्सपेल्ड बीजेपी उम्मीदवार बन गए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव खत्म हुए, नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार बनाने जा रही है। जीते और हारे कई कैंडिडेट्स की चर्चा हो रही है, लेकिन कृपाल सिंह परमार काफी खास है। कृपाल परमार वही नेता है जो बीजेपी से टिकट की चाहत पाले हुए थे, लेकिन टिकट न मिलने पर वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। कृपाल परमार उस वक्त खबरों में आए थे जब पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया था कि आप चुनाव ना लड़ें और मेरी बात मानिए। आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार जी, नमस्ते जी, मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुनेगा जी, जी। जी जी मोदी जी, मैं एक बात कहूं, आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी। नहीं, काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है। मोदी जी दो दिन पहले हो जाते। वीडियो में एक काफी सुनाई दे रहा है कि कैसे पीएम मोदी कृपाल परमार को मना रहे हैं और परमार खुद भी पीएम से नरमी से पेश आ रहे हैं।
साथ ही कृपाल सिंह परमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी अपनी बात पर अडिग रहे और बाद में कृपाल परमार भी अपनी जिद पर अड़े रहे और चुनाव भी लड़ा। हिमाचल की फतेहपुर सीट से कृपाल परमार चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर सीट का हम आपको हाल बताते हैं। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया को 32,453 वोट मिले, बीजेपी के राकेश पठानिया को 25,462 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर आए कृपाल सिंह परमार को सिर्फ 2794 वोट मिले। कृपाल परमार साल 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव हार गए। कृपाल सिंह परमार बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी। इस बार जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। फतेहपुर सीट से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया और मैदान में उतर गए। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी से 6 के लिए निकाल दिया और इस तरह से वो एक्सपेल्ड बीजेपी उम्मीदवार बन गए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव खत्म हुए, नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार बनाने जा रही है। जीते और हारे कई कैंडिडेट्स की चर्चा हो रही है, लेकिन कृपाल सिंह परमार काफी खास हैं। कृपाल परमार वही नेता हैं जो बीजेपी से टिकट की चाहत पाले हुए थे, लेकिन टिकट न मिलने पर वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। कृपाल परमार उस वक्त खबरों में आए थे जब पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया था कि आप चुनाव ना लड़ें और मेरी बात मानिए। आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार जी, नमस्ते जी। मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुने जी? जी 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 मोदी जी, मैं एक बात कहूँ। आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 जी, बहुत रोल है जी। नहीं, काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है मोदी जी। दो दिन पहले हो जाते। वीडियो में एक काफी सुनाई दे रहा है कि कैसे पीएम मोदी कृपाल परमार को मना रहे हैं और परमार खुद भी पीएम से नरमी से पेश आ रहे हैं। साथ ही कृपाल सिंह परमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी अपनी बात पर अडिग रहे और बाद में कृपाल परमार भी अपनी जिद पर अड़े रहे और चुनाव भी लड़ा। हिमाचल की फतेहपुर सीट से कृपाल परमार चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर सीट का हम आपको हाल बताते हैं। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया को 32,453 वोट मिले, बीजेपी के राकेश पठानिया को 25,462 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर आए कृपाल सिंह परमार को सिर्फ 2794 वोट मिले। कृपाल परमार साल 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव हार गए। कृपाल सिंह परमार बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी। इस बार जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। फतेहपुर सीट से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया और मैदान में उतर गए। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी से 6 के लिए निकाल दिया और इस तरह से वो एक्सपेल्ड बीजेपी उम्मीदवार बन गए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव खत्म हुए, नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार बनाने जा रही है। जीते और हारे कई कैंडिडेट्स की चर्चा हो रही है, लेकिन कृपाल सिंह परमार काफी खास हैं।
कृपाल परमार वही नेता हैं जो बीजेपी से टिकट की चाहत पाले हुए थे, लेकिन टिकट न मिलने पर वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। कृपाल परमार उस वक्त खबरों में आए थे जब पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया था कि आप चुनाव ना लड़ें और मेरी बात मानिए। आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार जी, नमस्कार जी, मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुने जी, जी। जी जी मोदी जी, मैं एक बात कहूं, आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी, नहीं काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है मोदी जी, दो दिन पहले हो जाते। वीडियो में एक काफी सुनाई दे रहा है कि कैसे पीएम मोदी कृपाल परमार को मना रहे हैं और परमार खुद भी पीएम से नरमी से पेश आ रहे हैं। साथ ही कृपाल सिंह परमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी अपनी बात पर अड़िग रहे और बाद में कृपाल परमार भी अपनी जिद पर अड़े रहे और चुनाव भी लड़ा। हिमाचल की फतेहपुर सीट से कृपाल परमार चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर सीट का हम आपको हाल बताते हैं। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया को 32,453 वोट मिले, बीजेपी के राकेश पठानिया को 25,462 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर आए कृपाल सिंह परमार को सिर्फ 2794 वोट मिले। कृपाल परमार साल 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव हार गए। कृपाल सिंह परमार बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी। इस बार जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। फतेहपुर सीट से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया और मैदान में उतर गए। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल दिया और इस तरह से वो एक्सपेल्ड बीजेपी उम्मीदवार बन गए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव खत्म हुए, नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार बनाने जा रही है। जीते और हारे कई कैंडिडेट्स की चर्चा हो रही है, लेकिन कृपाल सिंह परमार काफी खास हैं। कृपाल परमार वही नेता हैं जो बीजेपी से टिकट की चाहत पाले हुए थे, लेकिन टिकट न मिलने पर वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। कृपाल परमार उस वक्त खबरों में आए थे जब पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया था कि आप चुनाव ना लड़ें और मेरी बात मानिए। आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार जी, नमस्कार जी, मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुने जी, जी। जी जी मोदी जी, मैं एक बात कहूं, आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी,
बहुत रोल है जी। नहीं कम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है। मोदी जी दो दिन पहले हो जाते हैं। वीडियो में एक काफी सुनाई दे रहा है कि कैसे पीएम मोदी कृपाल परमार को मना रहे हैं और परमार खुद भी पीएम से नरमी से पेश आ रहे हैं। साथ ही कृपाल सिंह परमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी अपनी बात पर अड़िग रहे और बाद में कृपाल परमार भी अपनी जिद पर अड़े रहे और चुनाव भी लड़ा। हिमाचल की फतेहपुर सीट से कृपाल परमार चुनाव लड़े लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर सीट का हम आपको हाल बताते हैं। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया को 32,453 वोट मिले। बीजेपी के राकेश पठानिया को 25,462 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर आए कृपाल सिंह परमार को सिर्फ 2794 वोट मिले। कृपाल परमार साल 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे लेकिन चुनाव हार गए। कृपाल सिंह परमार बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी। इस बार जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। फतेहपुर सीट से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया और मैदान में उतर गए। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल दिया और इस तरह से वो एक्सपेल्ड बीजेपी उम्मीदवार बन गए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव खत्म हुए, नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार बनाने जा रही है। जीते और हारे कई कैंडिडेट्स की चर्चा हो रही है लेकिन कृपाल सिंह परमार काफी खास हैं। कृपाल परमार वही नेता हैं जो बीजेपी से टिकट की चाहत पाले हुए थे लेकिन टिकट न मिलने पर वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। कृपाल परमार उस वक्त खबरों में आए थे जब पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया था कि आप चुनाव ना लड़ें और मेरी बात मानिए। आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार जी, नमस्ते जी। मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुने जी, जी। जी जी मोदी जी, मैं एक बात कहूं। आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी। बहुत रोल है जी। नहीं कम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है मोदी जी। दो दिन पहले हो जाते हैं। वीडियो में एक काफी सुनाई दे रहा है कि कैसे पीएम मोदी कृपाल परमार को मना रहे हैं और परमार खुद भी पीएम से नरमी से पेश आ रहे हैं। साथ ही कृपाल सिंह परमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी अपनी बात पर अडिग रहे और बाद में कृपाल परमार भी अपनी जिद पर अड़े रहे और चुनाव भी लड़ा। हिमाचल की फतेहपुर सीट से कृपाल परमार चुनाव लड़े लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर सीट का हम आपको हाल बताते हैं। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया को 32,453 वोट मिले। बीजेपी के राकेश पठानिया को 25,462 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर आए कृपाल सिंह परमार को सिर्फ 2794 वोट मिले। कृपाल परमार साल 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे लेकिन चुनाव हार गए।
कृपाल सिंह परमार बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी। इस बार जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। फतेहपुर सीट से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया और मैदान में उतर गए। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल दिया और इस तरह से वो एक्सपेल्ड बीजेपी उम्मीदवार बन गए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव खत्म हुए, नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार बनाने जा रही है। जीते और हारे कई कैंडिडेट्स की चर्चा हो रही है, लेकिन कृपाल सिंह परमार काफी खास हैं। कृपाल परमार वही नेता हैं जो बीजेपी से टिकट की चाहत पाले हुए थे, लेकिन टिकट न मिलने पर वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। कृपाल परमार उस वक्त खबरों में आए थे जब पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया था कि आप चुनाव ना लड़ें और मेरी बात मानिए। आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार जी, नमस्ते जी। मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुने जी? जी 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 मोदी जी, मैं एक बात कहूं। आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी। नहीं, काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है। मोदी जी, दो दिन पहले हो जाते हैं। वीडियो में एक काफी सुनाई दे रहा है कि कैसे पीएम मोदी कृपाल परमार को मना रहे हैं और परमार खुद भी पीएम से नरमी से पेश आ रहे हैं। साथ ही कृपाल सिंह परमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी अपनी बात पर अडिग रहे और बाद में कृपाल परमार भी अपनी जिद पर अड़े रहे और चुनाव भी लड़ा। हिमाचल की फतेहपुर सीट से कृपाल परमार चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर सीट का हम आपको हाल बताते हैं। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया को 32,453 वोट मिले। बीजेपी के राकेश पठानिया को 25,462 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर आए कृपाल सिंह परमार को सिर्फ 2794 वोट मिले। कृपाल परमार साल 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव हार गए। कृपाल सिंह परमार बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी। इस बार जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। फतेहपुर सीट से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया और मैदान में उतर गए। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल दिया और इस तरह से वो एक्सपेल्ड बीजेपी उम्मीदवार बन गए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव खत्म हुए, नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार बनाने जा रही है। जीते और हारे कई कैंडिडेट्स की चर्चा हो रही है, लेकिन कृपाल सिंह परमार काफी खास हैं। कृपाल परमार वही नेता हैं जो बीजेपी से टिकट की चाहत पाले हुए थे, लेकिन टिकट न मिलने पर वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। कृपाल परमार उस वक्त खबरों में आए थे जब पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया था कि आप चुनाव ना लड़ें और मेरी बात मानिए। आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार जी, नमस्ते जी। मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुने जी? जी 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 और
मोदी जी, मैं एक बात कहूं, आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी। नहीं, काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है। मोदी जी दो दिन पहले हो जाते हैं। वीडियो में एक काफी सुनाई दे रहा है कि कैसे पीएम मोदी कृपाल परमार को मना रहे हैं और परमार खुद भी पीएम से नरमी से पेश आ रहे हैं। साथ ही कृपाल सिंह परमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी अपनी बात पर अडिग रहे और बाद में कृपाल परमार भी अपनी जिद पर अड़े रहे और चुनाव भी लड़ा। हिमाचल की फतेहपुर सीट से कृपाल परमार चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर सीट का हम आपको हाल बताते हैं। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया को 32,453 वोट मिले। बीजेपी के राकेश पठानिया को 25,462 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर आए कृपाल सिंह परमार को सिर्फ 2794 वोट मिले। कृपाल परमार साल 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव हार गए। कृपाल सिंह परमार बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी। इस बार जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। फतेहपुर सीट से उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया और मैदान में उतर गए। बीजेपी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल दिया और इस तरह से वो एक्सपेल्ड बीजेपी उम्मीदवार बन गए। हिमाचल प्रदेश के चुनाव खत्म हुए, नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार बनाने जा रही है। जीते और हारे कई कैंडिडेट्स की चर्चा हो रही है, लेकिन कृपाल सिंह परमार काफी खास हैं। कृपाल परमार वही नेता हैं जो बीजेपी से टिकट की चाहत पाले हुए थे, लेकिन टिकट न मिलने पर वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। कृपाल परमार उस वक्त खबरों में आए थे जब पीएम मोदी ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया था कि आप चुनाव ना लड़ें और मेरी बात मानिए। आप ये वीडियो देखिए। नमस्कार जी, नमस्ते जी, मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुनेगा जी, जी। जी जी मोदी जी, मैं एक बात कहूं, आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी। नहीं, काम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है। मोदी जी दो दिन पहले हो जाते हैं। वीडियो में एक काफी सुनाई दे रहा है कि कैसे पीएम मोदी कृपाल परमार को मना रहे हैं और परमार खुद भी पीएम से नरमी से पेश आ रहे हैं। साथ ही कृपाल सिंह परमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की शिकायत कर रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी अपनी बात पर अडिग रहे और बाद में कृपाल परमार भी अपनी जिद पर अड़े रहे और चुनाव भी लड़ा।
हिमाचल की फतेहपुर सीट से कृपाल परमार चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर सीट का हम आपको हाल बताते हैं। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया को 32,453 वोट मिले। बीजेपी के राकेश पठानिया को 25,462 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर आए कृपाल सिंह परमार को सिर्फ 2794 वोट मिले। कृपाल परमार साल 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव